बहुत अफसोस हुआ है कि कपिल जो डिप्रेशन में गए हैं, इतने ग्रेट एक्टर हैं, इतने कमाल उन्होंने प्रूव किया है सारी दुनिया को कि वो क्या कमाल कर सकते हैं। हमारा शो नंबर वन पे रहा 2-2.5 साल, और शायद जल्द ही ऐसा मैंने भी सुना है कि जल्दी शायद हमारी पूरी टीम फिर से काम करे। तो मुझे लगता है अगर वही टीम वापस आ जाती है और वो शो दोबारा आता है तो उसको हिट होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सेम कैरेक्टर्स अगर प्ले करेंगे। मैं अभी भी जैसे पंजाब में थी तो मुझे शूटिंग करी थी एक पंजाबी फिल्म की, तो सब मुझे पूछ रहे थे उपासना जी आप कब आ रहे हो वापस, हम वही देखना चाहते हैं वापस वही शो। तो बस उम्मीद कीजिए कि जल्दी ऐसा हो और कपिल जल्द ठीक हो, और जब भी कपिल आएगा मुझे पक्का यकीन है कि वो शो हिट होगा। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। फैमिली में कई तरह की टेंशन्स होती है, हम अपने घर में भी प्रॉब्लम हो जाती है, भाई बहन में हो जाती है, मम्मी पापा के साथ कुछ ना कुछ नोकझोंक हो जाती है, तो ये तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और क्या ये बहुत अफसोस की बात है, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, मैंने तो आज भी किसी को बोली थी कि मीडिया पे भी सेंसर होना चाहिए। मतलब आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि इसका ये शो नहीं चला या इसकी टीआरपी ये है, लेकिन आप किसी की फैमिली लाइफ के बारे में कैसे बोल सकते हैं। मेरे बारे में भी अभी थोड़े दिन पहले किसी ने कहा कि उपासना सिंह का डाइवोर्स हो रहा है, और आप देख रहे हैं मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। तो मीडिया का ये कहाँ पे, उनको ये हक कहाँ से कौन देता है कि वो हमारी फैमिली लाइफ के बारे में, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बोल सके। तो कपिल के साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो उसके वो पहले से प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था, ऊपर से वो डिप्रेशन में था, उसकी फिल्म की थोड़ी प्रॉब्लम हुई, शो की प्रॉब्लम हुई, और आप सब लोग उसकी फैमिली लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी कसूरवार हैं। तो उसने फ़ोन ही नहीं किसी के उठाए, वो यहाँ पे थे भी नहीं और बाहर थे, लेकिन अभी वो बॉम्बे वापस आ गए मुंबई, तो मैं डेफिनेटली मिलूँगी उनसे। ये तो एक परिवार है हमारा, और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम एक साथ बिताया है। थैंक यू।